हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के ITS क्लासेस में। EDC से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें आप देख सकते हो जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था 20 जून में, उसमें बताया गया था कि जितने भी सारी सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट, चाहे LP, टेक्नीशियंस, ट्रेन मैनेजर और JEE, वो सारे सेंट्रलाइज्ड वे में आपका GDC के थ्रू भरी जाएगी। और जितने भी कैंडिडेट जो अभी लेवल 1 या लेवल 2 में ज्वाइन किए हैं और उनके पास क्वालिफिकेशन, तो भैया आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप लेवल 1 में हो तो लेवल 5 में भी जा सकते हो, 6 में भी जा सकते हो, अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सपोज़ कोई बंदा ग्रुप डी में है और उसकी डिग्री डिप्लोमा है, तो जो GDC की जो वैकेंसीज आएगी उसमें भैया वो RRV JEE के लिए फॉर्म भर सकता है, वो LP का फॉर्म भर सकता है। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, तो भैया इसको गंवाना नहीं। तो इस वीडियो में आपको सारा चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि GDC जो एग्ज़ाम में आपका, उसमें आपका LP टेक्नीशियंस की क्या सिलेबस होती है, RRV JEE की सिलेबस क्या होती है, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और जो सिलेक्शन का जो स्टेज होती है, टोटल कितने स्टेज में आपकी सिलेक्शन होने वाली है। देखो, एक्चुअल जो नोटिफिकेशन जो GDC वाला आपका आउट होगा वो नेक्स्ट मंथ 15 जुलाई के आसपास जो है आउट होगा। बट इसके पहले क्या होता था, जितने भी सारे रेलवे के जोन है, 17 जोन है, वो सारे अलग अलग जो है GDC की वैकेंसीज निकालती थी। बट इस बार क्या हुआ कि जितने भी सारे जोन है, 17 जोन, उनका भाई एक सिंगल वैकेंसी निकलेगा और एक ही एग्ज़ाम होगा साथ, जितने भी सारे आपके जोन है, बट वैकेंसीज सारे जोन की अपनी एक अलग होगी। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि सेंट्रलाइज्ड वे में जो है GDC का एग्ज़ाम कंडक्ट पहली बार करवाया जा रहा है। तो चलो, मैं सब कुछ एक एक चीज़ डिस्कस करने वाला है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। वीडियो पूरा देखना, GDC से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट अब रहने वाला नहीं है, इस वीडियो को देख लोगे तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जो नोटिस आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आया था, आपका देख सकते हो 20 जून में आया था, जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग सारा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इसमें क्या बोला गया था कि 25% जो सीटें हैं आपकी, वो आपको भरी जाने वाली है GDC। आपको पता होगा अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय हो तो भाई आपकी GDC और एक LDC का एग्ज़ाम होता है। और इसमें क्या बोला गया कि सेंट्रलाइज्ड मैनर में जो है सारे जोनल रेलवे को, सेंट्रलाइज्ड मैनर में मतलब क्या, एक एग्ज़ाम होगा सारे जोन के लिए। पहले क्या होता था कि भाई एक पर्टिकुलर जोन से GDC की वैकेंसी निकलती थी और इस जोन में सिर्फ वैकेंसी भरी जाती थी। बट अब क्या होने वाला है कि जितने 17 जोन हैं उन सभी जोन्स की अलग अलग वैकेंसीज निकलेगी, बट उसका एग्ज़ाम का जो तरीका होगा भैया सेंट्रलाइज, सिंगल ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिस तरह RRB का होता है। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि जो GDC का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला किस पे कैसा होगा, ये RRB का जो रहता है भाई कैटेगरीज, उसी के हिसाब से आपके इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें एलिजिबल कौन होगा, जो सर्व कर रहा होगा एज ए रेगुलर एम्प्लॉय कहाँ पर, इंडियन रेलवे का। और इसमें जो सेफ्टी कैटेगरी की बात किया गया, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर की बात कही गई है। और इस ऑल RRC विल पब्लिश ए सिंगल नोटिफिकेशन, मैंने क्या बताया जितने भी सारे 17 जोन हैं, तो RRC क्या होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो जोन वाइज में वैकेंसीज को पूरा करती है, मतलब उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो इस 17 जोन के लिए भैया एक सिंगल नोटिफिकेशन मतलब सारे जारी होगा, और ये 15/7/2023 मतलब जुलाई में जारी होने वाला है, ठीक है। और एक महीना मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने का 14/8/2023 तक। उसके बाद इसमें क्या बताया गया था, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ये बोला गया है कि फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर दिस कैटेगरीज, जैसे कि तो ये होने वाला सिमिलर टू डेट ऑफ RRB, मतलब आप बोल सकते हो कि RRB की जो सिलेबस है, चाहे आप ALP की बात करो, चाहे टेक्नीशियंस की बात करो, चाहे आप ट्रेन मैनेजर की बात करो, चाहे आप JEE की बात कर रहे हो, तो जो सिलेबस का पैटर्न रहने वाला वो RRB JEE का ही पैटर्न रहेगा। बट इसमें जो एग्ज़ाम का सिलेक्शन का जो पैटर्न है वो यहाँ थोड़ा सा चेंज होने वाला, बस उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर जो है वैकेंसीज GDC के तहत अगर नहीं भरी जाती है, तो जो वैकेंसीज बच जाएगी उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जो है उसी भरी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके पहले जो जोन वाइज किसी जोन में जो आई होगी आपकी GDC के तहत वैकेंसीज JEE का या LP और टेक्नीशियंस का, तो उसमें जो उसका सिलेबस वगैरह था, एज का क्राइटेरिया क्या था, वो सारे उस नोटिस से सब कुछ क्लियर हो जाना, ठीक है। देखिए, अभी जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है वो बोला गया था 15/7 में जो आपका रिलीज़ होगा, मतलब वो भाई रिलीज़ होने में अभी टाइम है। बट आप GDC का जो लास्ट किसी जोन में जो एग्ज़ाम हुआ होगा, जैसे वेस्टर्न रेलवे ये जोन है, तो उसमें जो GDC का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये जूनियर इंजीनियर आप पोस्ट छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ट्रैक मशीन्स के लिए इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और ही बहुत सारे ब्रांच जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसका जो सिलेबस रहेगा वो भी आने वाला जो GDC की वैकेंसी है उसके लिए सेम रहेगी। और इसमें बात किया गया टेक्नीशियंस के लिए, ये पोस्ट ट्रैक मशीन्स तो उसको भी छोड़ देते हैं, जो टेक्नीशियंस रहेगा तो उसका भी सिलेबस सेम रहने वाला। प्लस ALP के केस में ओनली आपको जो है साइको टेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका क्या रहने वाला है, और एग्जाम का सिलेक्शन कितने सारे पेपर होने वाले हैं, प्लस एज लिमिट क्या रहेगा, बाकी सारा चीज़ हम लोग इसमें जो दिया हुआ, क्योंकि ये लास्ट वैकेंसी 2021 के तहत था, तो इसमें सारा नोटिफिकेशन जो अभी नया जो जारी होगा सेंट्रलाइज्ड वे में वो इसमें अलग होगा, बट सिलेबस चेंज रहेंगे, ठीक है, एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, और जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा।
रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जे की बात करेंगे। तो अगर आप जे की बात करते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो चाहे मैकेनिकल का बंदा हो, ठीक है, 3 ईयर्स डिप्लोमा किया हो, तो इसमें लेटरल एंट्री वाले भी एलिजिबल होते हैं। प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो हो सकता है इसमें तो सिर्फ ट्रैक मशीन की पोस्ट आई थी, बट जो नेक्स्ट वैकेंसीज आएगी उसमें जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह का इसमें ऐड नहीं किया गया है, CMA जो होता है भाई केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट वो ऐड नहीं किया गया, तो ये सारी पोस्टें भी उसमें ऐड होगी। DMS को इसमें ऐड नहीं किया गया है, तो ये सारी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट GDC की वैकेंसी जो आने वाली है नोटिफिकेशन जुलाई में, उसमें ये सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। बट इसमें देखो आपको ये समझ में आ गया कि मैकेनिकल का जो सिलेबस रहने वाला जे के लिए, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिलेबस, इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस क्या रहेगा, आपको यहाँ से ये सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी समझ में आ गया। और जो मिनिमम एज लिमिट की बात कर रहे हैं, ये UR के लिए 42 ईयर्स, OBC के लिए आपका 45 है, और SC ST के लिए यहाँ पे 47 है, और मिनिमम एज की बात करेंगे तो ये 18 ईयर्स है। अब चलो देखते हैं यहाँ भाई कि जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होने वाला है। तो इसमें बात किया गया है कि जो CBT बेस्ड जो इसमें एग्ज़ाम होगा, और इसमें कुछ नहीं होना भाई, इसी रिक्रूटमेंट विल इन्वॉल्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब एक टेस्ट होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर आपकी सीधी सिलेक्शन हो गया, फिर आपको ट्रेनिंग देके भाई आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अब इसमें बात कर रहे भाई जूनियर इंजीनियर की, तो देखो जूनियर इंजीनियर में इसमें बताया गया कि देखो इसमें जो अभी नेक्स्ट जो आपकी GDC की जो यहाँ नोटिफिकेशन जारी होगी जुलाई में, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो लास्ट में वैकेंसीज आती थी GDC के तहत वो सेम पैटर्न को वो रखेंगे। तो पहले पैटर्न क्या था कि एक जो CBT का जो एग्ज़ाम होता था उसमें वो टाइम कितना था, 90 मिनट, और 90 मिनट में आपके कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं, तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से मतलब डिवाइड किया गया होगा कि भाई टेक्निकल के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, नॉन टेक के क्वेश्चन कितने रहेंगे, ये अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। बट ये समझ में आ गया कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या, 90 मिनट, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन जो है करने रहेंगे, और सिलेबस भी हम लोग अभी नीचे देखने वाले हैं। तो पैटर्न ऑफ CBT देखो, अगर हम लोग टेक्नीशियंस की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नीशियंस या ALP का जो बंदा होगा, तो टेक्नीशियंस या ALP के लिए आपको पता होना चाहिए भाई कि मिनिमम, अगर कोई बंदा ALP के लिए अगर वहाँ पर जाता है तो भाई आपको मिनिमम 10th+ ITI या तो डिप्लोमा चल जाएगा, बट टेक्नीशियंस के लिए 10th+ ITI चाहिए। बट अगर आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर जाते हो तो भाई अगर 10th+ कोई बंदा अगर 12th भी किया हुआ है तो वो भी उसमें जा सकता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि जो बंदा टेक्नीशियंस में होगा तो उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा भाई CBT का, उसको भी एक ही एग्ज़ाम देना है, उसमें 2.5 घंटे की एग्ज़ाम रहेगी, उसको 2 पार्ट में लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए क्या रहा था भैया, जिससे आपकी मेरिट बनने वाली है, इसमें 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने रहेंगे, इसका भी सिलेबस देखने वाले हैं। और पार्ट बी जो ये ट्रेड बेसिस पे रहता है, ये ओनली जो है आपका एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ठीक है, इसमें 75 जो है क्वेश्चंस रहेंगे 60 मिनट में, मतलब आपका जो बंदा ALP और टेक्नीशियंस के लिए बैठेगा तो सिर्फ ALP और टेक्नीशियंस के लिए एग्ज़ाम तो सेम होने वाला है जो आपका CBT वाला है, बट ALP के लिए एक स्टेज ज़्यादा हो जाएगा, कौन सा होगा भैया, साइको टेस्ट, जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर देख सकते हो, और मेडिकल एग्ज़ाम होने के बाद सीधी आपकी जो है पोस्टिंग हो जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई चलो ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया कि क्या है नहीं है, किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न आने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की भाई, कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया कि भैया ये आपकी लास्ट वैकेंसीज है, तो मोस्टली चांसेस है कि जो सिलेबस रहेगा, क्योंकि बोला गया कि जो GDC जो है आपका जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो भैया ये एज़ पर RRB की जो सिलेबस होती है उसी को ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखो जूनियर इंजीनियर की बात करेगा, ट्रैक मशीन का पोस्ट है, बट आने वाली में जो वैकेंसीज रहेगी GDC उसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, बट जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस तो करने हैं। अब उसमें क्या देखो, इन लोगों ने डिवाइड किस तरीके से किया हुआ है, वो ज़्यादा चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर होने वाली है कि किस तरीके से। देखो अब 100 क्वेश्चंस तो आने वाले हैं, आपको समझ में आ गया, बट उसमें जनरल अवेयरनेस के वेटेज 10 रहेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 10 रहने वाले हैं, बेसिक्स कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के साथ रहेंगे, और बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ रहेंगे, और टेक्निकल एबिलिटीज़, टेक्निकल जैसे कोई बंदा इलेक्ट्रिकल का है, कोई बंदा मैकेनिकल का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसका 66 क्वेश्चंस होने हैं, मतलब 90 मिनट में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि आपके 100 नंबर का होगा। तो ये रहा भाई पूरा JEE का आपका सिलेबस, ठीक है, मतलब क्वेश्चन किस तरह से डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि जो नॉन टेक है भैया, नॉन टेक में वो क्या क्या पूछने वाले हैं, तो यहाँ देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया और नोट कर लेना अपना कॉपी में। देखो सिलेबस के बात करें तो यहाँ पे इन लोगों ने जनरल अवेयरनेस बोल दिया भैया, आप अगर JEE या तो ALP या टेक्नीशियंस के जो सिलेबस होते हैं लास्ट के, जिससे इसमें JEE के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो देखना कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से उन लोगों ने टॉपिक एड किया, बाकी यहाँ पर इन लोगों ने डिस्क्राइब कर भी दिया है, तो देखने की जरूरत भी नहीं है।
फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो भी आपको मैंने अभी दिखाया नीचे के किस तरीके से नंबर डिवाइड किए गए हैं, तो ये सारा इन लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से सिलेबस जो है ऐड किया गया है जो आपका नॉन टेक पोर्शन है फॉर जूनियर इंजीनियर के लिए। तो इसको आप यहाँ पर क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसको नोट कर लेना, ठीक है। और टेक्निकल एबिलिटीज़ यहाँ पे बात करते हैं, पार्ट बी में रखा गया जिसमें 66 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, तो 66 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसका जो है सिलेबस जो है खास करके जेई वालों का, ये सारे ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, तो इसका सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, ये मिल जाएगा PDF का फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये तो भैया मैकेनिकल वाले बंदों के लिए हो गया, 10 टॉपिक टोटल दिए हैं। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग है जो JDC के तहत अगर जेई की वो वैकेंसीज में अगर वो एलिजिबल है तो भाई उसके लिए देखो सिलेबस ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर बात करोगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग तो उसका सिलेबस ये है JDC में। और अब बात करने वाले हैं टेक्नीशियंस के लिए, इसमें देखो कंप्यूटर साइंस ये DMS वाले DMS का जो होता है और CMA का है उसका सिलेबस इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करोगे टेक्नीशियंस का तो मैंने आपको बताया कि 2.5 घंटे का भैया आपका टाइम रहेगा, जिसमें से इन लोगों ने 1.5 घंटे प्लस 1 घंटे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इस 1.5 घंटे में आपको टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इस 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस ट्रेड्स आएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये आपका मेरिट वाला रहेगा। तो उसका सिलेबस देखो क्या है, जो पार्ट ए रहेगा आपका मैथमेटिक्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल अवेयरनेस। तो इसको भैया आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये ALP प्लस टेक्नीशियन दोनों के लिए सेम सिलेबस रहने वाली है। फिर बात करेंगे पार्ट बी के लिए, तो पार्ट बी जो है भाई ट्रेड होती है, आपकी जो ब्रांच है उससे रिलेटेड जो भी आपका ट्रेड रहेगा, चाहे आप ITI की हो तो उसमें भी आप कोई ट्रेड लेके जो है आप अपना पार्ट बी में ले सकते हो। और पार्ट बी में आपको टोटल 75 क्वेश्चंस जो है 1 घंटे में आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे, और इसका जो सिलेबस आपको DGET पे साइट पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरा पैटर्न कैसे रहने वाला है। यहाँ पे आप लोगों ने ALP और प्लस टेक्नीशियंस का सिलेबस देख लिया, प्लस एग्जाम पैटर्न देख लिया, फिर आपने RRB JEE का भी देख लिया। अब बात करते हैं कि भाई और एक पोस्ट इसमें थी ट्रेन मैनेजर, तो ट्रेन मैनेजर की भैया क्या उसमें है पोस्ट, कि किस तरीके से उसमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रहने वाला वो भी देख सकते हैं। और ट्रेन मैनेजर की आपको मैं बता देता हूँ उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, ठीक है। तो उसमें अगर कोई बंदा मान लो ग्रेजुएशन किया हुआ और बंदा भी Level 1 सपोज़ करो उसने ज्वाइन कर लिया Group D में और वैकेंसीज निकल के आ गई, तो भैया वो अगर नॉर्मल सा ग्रेजुएशन कोई किया होगा उसने ऑनर्स किया होगा तो भैया ट्रेन मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर कोई बंदा Group D में अगर अभी है और डिप्लोमा करके रखा हुआ है या BTEC करके रखा होगा तो वो बंदा ALP के लिए भी भर सकता है, वो बंदा जो है ट्रेन मैनेजर के लिए भी भर लेगा और RRB JEE के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात करें ट्रेन मैनेजर में भी आपके जितने मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, यही सारे सिलेबस इसमें भी ऐड रहते हैं। तो वैकेंसीज कितनी आएगी नहीं आएगी, जब ये 15/7/2023 की जो है एक्चुअल नोटिफिकेशन रिलीज होगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। बट एक जो है एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होने वाला ये क्लियर हो गया, प्लस इसका सिलेबस क्या रहने वाला वो क्लियर हो गया। बाकी जो सिलेबस का जो PDF है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखना लिंक होगा, वहाँ पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा JDC के तहत, चाहे आपका एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड, तो कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। तो फिर मिलते हैं चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।